बाड़मेर शहर में नई रोड बनने के साथ ही उसे तोड़ने की रूपरेखा बन जाती है। नगर परिषद द्वारा शहर में टूटी सड़कों के लिए लाखों रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाती हैं। वहीं सड़क बनने के महज कुछ ही दिनों में कभी जलदाय विभाग तो कभी निजी कंपनियां द्वारा पाइपलाइन या केबल बिछाने के नाम पर नई सड़कों को तोड़ दिया जाता है। आए दिन सड़कों को तोड़ देने और समय पर रिपेयरिंग नहीं करवाने के कारण हादसे भी होते रहते हैं। बाड़मेर शहर में नई रोड बनने के साथ ही उसे तोड़ने की रूपरेखा बन जाती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 वर्षों में ऐसी एक भी सड़क नहीं बनी होगी जो बनने के 6 माह बाद सलामत रह चुकी हो। दरअसल नगर परिषद द्वारा शहर में टूटी सड़कों के लिए लाखों रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाती है। इसके बाद महज कुछ ही दिनों में कभी जलदाय विभाग तो कभी निजी कंपनियों द्वारा पाइपलाइन या केबल बिछाने के नाम पर नई सड़कों को तोड़ जाता है। ये विभाग और एजेंसियां अपना काम बनते ही सड़क पर यूं छोड़कर चले जाते हैं और उसका दंश शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। शहर में दीपावली से पहले भी कुछ सड़कें बनाई गई थी लेकिन अब इनमें से अधिकांश सड़कें खोद दी गई है। विकास कार्यों के नाम पर जनता के पैसे की इस कदर बर्बादी की जा रही है। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सड़कों को तोड़ देने और समय पर रिपेयरिंग नहीं करवाने के कारण रोजाना छोटे मोटे हादसे भी होते रहते हैं। इस बारे में लोगों का कहना है कि नई सड़कें तो अब बन नहीं रही है लेकिन जो कुछ समय पहले बनी हुई थी उन्हें तोड़ा जा रहा है। ये रोड हर बार तोड़ देते हैं और वापस इसको रिपेयरिंग कोई नहीं करता। साल साल डेढ़ साल ये खड्डे पड़े रहते हैं। यहाँ लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती है और ये अफसर कॉलोनी नहीं नर्क कॉलोनी है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग और ये बिना परमिशन के और न मालूम किसकी इजाज़त से ये सारा काम हो रहा है। कोई अधिकारी कोई पूछने वाला नहीं इन लोगों को। ये मर्जी है उस वक्त रोड तोड़ देते हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है। नई सड़कों को विभिन्न कारणों से तोड़ने के मामले में नियम साफ है कि संबंधित विभाग या एजेंसी ही उसकी मरम्मत कराएगी। लेकिन यह भी शाश्वत सत्य है कि एक बार जो सड़क टूट जाती है उससे भले ही मरम्मत करवा दी जाए, बारिश के दिनों में उस सड़क का बिखरना तय है। लोगों को फिर परेशानी भुगतनी पड़ती है और जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे रहते हैं।